प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह इस बार बेहद खास रहने वाला है। मोदी के तीसरे टर्म के शपथ ग्रहण के लिए विदेशी मेहमानों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है और ये सभी दिग्गज रविवार शाम राष्ट्रपति भवन में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में गवाह बनेंगे। श्री नरेंद्र मोदी जी एज द लीडर ऑफ द एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी कल नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में विदेशी मेहमानों के साथ श्रमजीवियों को भी आमंत्रित किया गया है। सेंट्रल विस्टा से जुड़े मजदूर उत्तराखंड के रैट माइनर्स को भी आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छता कार्यकर्ता और लाभार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। कल मोदी सरकार के शपथ ग्रहण के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर डिनर का आयोजन होगा। डिनर में बीजेपी के सभी सांसद, पार्टी के पदाधिकारी और बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। कल पीएम मोदी तीसरी बार मंत्रिमंडल के साथ शपथ लेंगे, जिसके लिए नई दिल्ली वीवीआईपी एरिया को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस अर्धसैनिक बलों को तैनात किया जा रहा है। 9 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण करेंगे और जिस तरह से उनके मंत्रिमंडल का आगे विस्तार होगा, इसके लिए एक तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं, तो दूसरी तरफ अन्य एजेंसियां, चाहे बात करें खुफिया विभाग की बात करें या अन्य पुलिसिंग व्यवस्था की बात करें, वो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर तैयारी की जा रही है। उनके द्वारा तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि 9 तारीख जो है निश्चित तौर पर कई मायनों में ऐतिहासिक तारीख बन सकती है। शंकर आनंद, न्यूज 18, दिल्ली। आज शाम 7:15 यानी कि 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण के पहले कौन कौन मंत्री बनेगा, इस बात की भी खूब चर्चा है। बिहार से कौन कौन से नाम मंत्री पद के रेस में चल रहा है, आइए जानते हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने में महज कुछ घंटे बाकी हैं। 9 जून को शाम के 7:15 नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ कई सांसदों को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। सवाल है कि किसे मिल रही है मोदी मंत्रिमंडल में जगह, खासकर बिहार से किस किस को मिल सकता है मंत्री बनने का मौका। आज जब यहाँ हम आए हैं तो नरेंद्र भाई मोदी जी और एनडीए पर पूरा भरोसा है कि जो हमारी क्षमता है या हमारी उपयोगिता है उसके आलोक में वे लोग निर्णय लेंगे। हमारी उसमें कुछ नहीं।